गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा सातवीं हिंदी द्वितीय में शब्द भंडार पढ़ा रही हूँ। तो शब्द भंडार में सर्वप्रथम देखिए हम पर्यायवाची, अनेकार्थक, एकार्थक, अनेक के लिए एक शब्द आदि देखते हैं, पर आज हम शब्द भंडार के साथ साथ हम मुहावरे भी पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए मुहावरों में सर्वप्रथम हम देखते हैं दिल भर आना, दिल पसीज जाना, यानी किसी पर दया करना। हमें तो वाक्य प्रयोग देखिए, उस बेसहारा लड़के की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल भर आता है, यानी दिल में दिल पसीज जाता है, उसके दुख को देखकर हमें भी दुख होने लगता है, तो उसको बोलते हैं दिल भर आना या दिल पसीज जाना। दोनों हाथों में लड्डू होना, हर तरह से लाभ। वाक्य प्रयोग देखिए, मैं इंजीनियरिंग भी कर सकता हूँ और डॉक्टरी भी, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यानी दोनों तरीके से मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है। धाक जमना यानी प्रभाव होना। वाक्य प्रयोग देखिए, विराट कोहली ने विश्व क्रिकेट में अपनी धाक जमा ली है। धाक जमना का यानी प्रभाव होना। वाक्य प्रयोग है, विराट कोहली ने विश्व क्रिकेट में अपनी धाक जमा ली है। नजर रखना यानी कि निगरानी रखना। वाक्य प्रयोग, हम छोटे से छोटे शत्रु पर, हमें छोटे से छोटे शत्रु पर नजर रखनी चाहिए, यानी निगरानी रखनी चाहिए। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। वाक्य प्रयोग देखिए, जब से पाकिस्तान बना है उसने भारत की नाक में दम कर रखा है। वाक्य प्रयोग है, जब से पाकिस्तान बना है उसने भारत की नाक में दम कर, यानी उसको बहुत तंग कर रखा है। नींद हराम होना, चैन न आना। वाक्य प्रयोग देखिए, बम की आवाज सुनकर पुलिस की नींद हराम हो गई। वाक्य प्रयोग देखिए, बम की आवाज सुनकर पुलिस की नींद हराम हो गई। नींद हराम होना, चैन न आना। पांव उखड़ना, हार जाना। वाक्य प्रयोग, भारतीय वायु सेना ने ऐसा जबरदस्त आक्रमण किया कि शत्रु के पांव उखड़ गए। पेट में दांडी होना, बचपन से चालाक होना। वाक्य प्रयोग, इसकी छोटी आयु पर न जाना, इसके तो पेट में दाढ़ी है। प्राण पखेरु उड़ना, मर जाना। संघर्ष करते करते कितने ही योद्धाओं के प्राण पखेरु उड़ गए। फूला न समाना, बहुत खुश होना। वाक्य प्रयोग, शादी तय होने की बात सुनकर नेहा फूली नहीं समा रही। बल्लियां उछलना, बहुत प्रसन्न होना। ओलंपिक में मेडल जीते ही साक्षी मलिक बल्लियों उछलने लगे, यानी बहुत प्रसन्न हो गई। बाजी मारना यानी जीतना। वाक्य प्रयोग, 5 स्वर्ण पदक जीतकर हिमा दास ने सचमुच बाजी मार ली। बाल बांका न होना, कुछ न बिगड़ना। वाक्य प्रयोग, भगवान की कृपा हो तो भक्तों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। मुंह उतरना, निराश महसूस करना। वाक्य प्रयोग, कर की चोरी पकड़े जाने पर लाला जी का मुंह उतर गया। मुंह में पानी आना, ललचा जाना। वाक्य प्रयोग, पकोड़े का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अब देखिए हम लोकोक्तियां देखते हैं। लोकोक्तियां लोगों में प्रचलित उक्तियां। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकते, अकेला मनुष्य महान कार्य नहीं कर सकता। वाक्य प्रयोग देखिए, समाज को बदलने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। वाक्य प्रयोग, उसे चपरासी की नौकरी क्या मिली, हमेशा अफसर और कमिश्नर के नाम उसकी जुबान पर रहते हैं। सच कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, उसे चपरासी की नौकरी क्या मिली, हमेशा अफसर और कमिश्नर के नाम उसकी जुबान पर रहते हैं। सच कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीतने पर संभलने से कोई लाभ नहीं होता। वाक्य प्रयोग देखिए, पहले छुट्टियों में तुमने कोई काम नहीं किया, अब परीक्षा आने पर हाय हाय मचा रहे हो। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत। मैं आर्मी अफसर बनूं तो घर के सुख छोड़ने पड़ेंगे, अफसर ही छोड़ूं तो पिछड़ जाऊंगा। यह तो वही बात है, आगे कुआं पीछे खाई। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक सच्चाई कम। बड़े नाम के कारण मैं उसे बहुत बड़ा विद्वान मानता था, परंतु उससे तो हमारे गांव के मास्टर जी अच्छे सच हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, एक करेला दूजी नीम चढ़ा, दो कमियों के कारण दोष बढ़ जाना। वाक्य प्रयोग, एक तो वह भेंगा है, साथ में अनपढ़ भी है, उससे कौन ब्याह करेगा। एक तो करेला दूजी नीम चढ़ा, एक अनार सो बीमार, एक वस्तु के अधिक ग्राहक।
वाक्य प्रयोग देखिए, एक नौकरी के लिए सैकड़ों आवेदन आ रहे हैं, इसे कहते हैं एक अनार सो बीमार। एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम निपटाना। मैं दिल्ली जाकर बेटी को भी छोड़ आऊंगा और कार भी ठीक करा लाऊंगा। ये होते हैं एक पंथ दो काज। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। इसे रामायण महाभारत देखकर क्या करोगे, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता का कोई लाभ नहीं होता। रोगी ने आखिरी सांस ली तो डॉक्टर पहुंचा, परंतु आप क्या करते, का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो ये तो थे हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां। आप पढ़ते हैं हम शब्द भंडार। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं पर्यायवाची। जल, नीर, वारी, तोय, सलील, अंबु, पय, तालाब, सार, तड़ाग, सरोवर, पोखर, जलाशय, पुष्कर, दांत, दंत, रद, दशन, द्विज, देवता, देव, अमर, सुर, निर्जर, धन, अर्थ, वित्त, लक्ष्मी, श्री, संपत्ति, वैभव, नदी, सरिता, प्रवाहिनी, तरंगिनी, तटिनी, नारी, औरत, महिला, कामिनी, ललना, महिला, वनिता। नेक्स्ट देखिए, पत्ता, पात, पत्र, दल, पर्ण, पक्षी, विहंग, विहंगम, खग, द्विज, विहग, पंखी, पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, धरती, मई, वसुधा, वसुंधरा, पुष्प, सुमन, कुसुम, फूल, प्रसुन, पर्वत, गिरी, अचल, शैल, भूदर, नग, पेड़, वृक्ष, विटक, शाल, तरु, महिरुह, बाल, केश, अलक, कुंतल, बादल, मेघ, जलद, नीरद, वारिद, भौरा, अली, मधु, मधुकर, भृंग, भ्रमर, मनुष्य, मनुज, नर, मानव, राजा, नृप, नृपति, महिप, भूपति, भूपाल, नरेश, राक्षस, असुर, पिशाच, निशाचर, दैत्य, रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, रैन, रात, लक्ष्मी, हरिप्रिया, रमा, कमला, श्री, वायु, अनिल, समीर, पवन, मारुत, वात, हवा, विद्युत, तड़िता, चपला, दामिनी, सौदामिनी, समुद्र, सागर, रत्नाकर, उद्दी, जलदी, निर्दी, पयोधी, सिंधु, सुंदर, मनोरम, मनोहर, रमणीय, रम्य, चारु, रुचिर। अनेक के लिए एक शब्द। मांस खाने वाला मांसाहारी, कम खाने वाला अल्पाहारी, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जो अभी अभी आया हो नवागंतुक, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, जो किसी का शुभ चाहता हो शुभ चिंतक, राजनीति का ज्ञान रखने वाला राजनीतिज्ञ, जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी, जिसे काटा न जा सके अकट्य, दिन, दिवस, दीन, गरीब, नग, पत्थर या पर्वत, नाग, सांप, नियत, तय, नियत, उद्देश्य, निधन, मृत्यु, निर्धन, धनहीन, ग्रह, आकाश के ग्रह, गृह, घर, चर्म, चमड़ा, चरम, अंतिम, झूठ, खाकर छोड़ा हुआ और झूठ, असत्य, शर, तीर, सर, तालाब, हंस, एक पक्षी, हंस, हंसने की क्रिया, नीरज, कमल, नीरद, बादल, निर्धि, इसका होगा समुद्र, निशाचर, राक्षस, निशाकर, चंद्रमा, परिमाण, नापतोल, परिणाम, नतीजा, प्रमाण, सबूत, प्रणाम, नमस्कार। तो ये हमारे समरूपी भिन्नार्थक भी यहीं पर खत्म होते हैं। तो बच्चों, हमारा शब्द भंडार यहीं पर खत्म हो रहा है। शब्द भंडार की PDF आपको भेज दी जाएगी, आप इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा और अपनी अध्यापिका को उनके WhatsApp नंबर पे सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।